आवाम के बीच में हम पहुंचे हैं स्वच्छ कुर्की का अगर शेर आएगा तो वो विधायक जी को जाएगा कमीशन बाजी है क्या ये बिल्कुल सत्य है शिक्षा के क्षेत्र में तीन उपलब्धियां विधायक जी की क्या है विधायक जी ने अपना एक डीपीएस स्कूल बनाया बहुत जबरदस्त स्कूल बनाया ये उपलब्धि है उनकी सरकारी स्कूल बनाने की बजाय उन्होंने अपना स्कूल बनाया इसी को व्यापार करने से तो आप नहीं रोक सकते और वो उनका विधायक है या व्यापारी है शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए यहाँ पर डिग्री कॉलेज है या फिर नहीं है बहुत शर्म की बात है डिग्री कॉलेज नहीं बना पाए और अपना कॉलेज खोल लिया सारे मॉडल देख लिए, गुजरात मॉडल भी देख लिया और कांग्रेस का मॉडल भी देख लिया अब यहाँ की जनता जो है दिल्ली मॉडल चाहती है बारिश होने से पहले पानी भर जाए सड़कों पर ये पानी की निकासी की आ, मतलब सुविधा नहीं कर पाए पंद्रह साल में ये बहुत शर्म की बात है आए दिन यहाँ पे आदमी डूबता है पहले डूबता नहीं था अब डूबता है ये बहुत बड़ी दिक्कत है इसको आज तक कोई भी जो भी मेयर या विधायक आया है उसने आज तक नहीं नमस्कार आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का मैं हूं आपके साथ तिलक चावला आज तमाम विधानसभाओं को कवर करते हुए आज हम आप पहुंचे हैं रुड़की की विधानसभा सीट पर रुड़की ये वो विधानसभा सीट है जहां पर बीजेपी की साख दाव पर लगी है या यूं कहें कि उस चेहरे की साख दाव पर लगी है जो यहां से बीजेपी का चेहरा है हम प्रदीप बत्रा की कर रहे हैं दो बार से विधायक है पुराने कांग्रेसी है इस बार बीजेपी में है एक बार फिर से चुनावी रण में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए ताल ठोक रहे हैं लेकिन क्या इस बार अरमान होंगे पूरे वो तमाम सवाल जो कि रुड़की की विधानसभा क्षेत्र के हैं आज रुड़की की आवाम के बीच में हम पहुंचे हैं सबसे पहले रुड़की की आवाम का तालियों के साथ जोरदार स्वागत आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत किया कुर्सी में सबसे पहले आपको आज उन चारों से रूबरू करवा देते हैं जो आज सवालों का सामना करेंगे और आवाज उठाएंगे रुड़की की विधानसभा क्षेत्र की सबसे पहले स्वागत करिए अमित अग्रवाल का जो कि विधायक प्रतिनिधि हैं बीजेपी का चेहरा है आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित अग्रवाल साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त रश्मि चौधरी मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के दावेदार भी हैं और कांग्रेस का चेहरा भी है यहाँ से साथ ही हमारे साथ नरेश प्रिंस सबरवाल जुड़ेंगे जो की आम आदमी पार्टी के यहां से दावेदार भी हैं और चेहरे भी हैं सबसे पहले आपसे अमित अग्रवाल किस्सा कुर्सी की शुरुआत रुड़की के क्षेत्र से मैं करना चाहूंगा तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए विधायक रण में ताल ठोकेंगे लेकिन रुड़की की विधानसभा सीट के लिए विधायक को दो बार मौका मिला विधायक जी ने ऐसे कौन से तीन काम उपलब्धियां हैं जो विधायक जी को जनता एक बार फिर से चुने तीन उपलब्धियां देखिए भाई साहब विधायक जी के जितने भी कार्य हैं वो सभी उत्तम श्रेणी के बाकी शहर के अंदर आप अगर सफाई व्यवस्था मतलब स्वच्छ रुड़की का अगर श्रेय आएगा तो वो विधायक जी को जाएगा दूसरा शहर में आपका जितनी भी ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार के लिए उन्होंने प्रयास किए हैं और वो अभी भी निरंतर कर रहे हैं वो भी विधायक जी की ओर जाएगी और तीसरा आप ये कहें कि सुरक्षा के लिए आज रात्रि में भी जिस प्रकार वो पुलिस प्रशासन को स, जितना वो हैंडल कर पाए हैं, तो ये भी विधायक जी की ही देने में ये तीन उपलब्धियां जो विधानसभा क्षेत्र की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल और उपलब्धि तो, उप... तो अपना अस्पताल यहाँ पर चलाया है किसी भी और पार्टी का कोई नेता कोविड के दौरान सड़क पे नहीं था केवल और केवल विधायक प्रदीप बत्रा रुड़की में सड़क पर थे और उन्होंने हर पेशेंट का इवन हमारे पास मुजफ्फरनगर और बिजनौर तक के पेशेंट यहाँ पे आके हेल्प लेके गए यानी आप ये कह रहे हैं कि कोविड के दौरान की गई मदद जो है वो ऐतिहासिक मदद है अब मैं आपसे जानना चाहूंगा मैडम उपलब्धियों का जिक्र किया आप मानती हैं प्रदीप पत्रा के नाम पर उपलब्धियां हैं कुछ रुड़की के विधानसभा क्षेत्र के भीतर देखिए हमारे भाई ने बोला है कि इतनी सारी उपलब्धियां हैं आप रुड़की की जनता से पूछिए कि उनको पंद्रह साल हो गए हैं सत्ता में रहते हुए पांच साल वो चेयरमैन रहे दस साल वो विधायक रहे मैं समझती हूँ की दस साल में रुड़की बड़ा वेल एजुकेटेड सिटी है और यहाँ पे यहाँ की जनता बहुत सहयोगी है यहाँ पे चाहे महिला हो चाहे युवा हो चाहे हमारे बुजुर्ग समाज हो बड़े सहयोगी हैं और जहाँ तक प्रदीप बत्रे जी की बात है तो कंपनी निराशाजनक रहा है उन्होंने वो सारे काम किए हैं जहाँ पे उनको कमीशन मिलता था अच्छा कमीशन का खेल है यहाँ पर कमीशन राशि कंप्लीटली कमीशन बाजी का खेल हुआ है कैसे होती है बाजी यहां पर आप ये देखिए जितने भी काम है जिनमें कमीशन मिलता है उनको भरपूर मात्रा में वो सारे काम उन्होंने किए अच्छा ये तो मैडम कह रहे विधायक जी कमीशन खो रहे देखिये कहने को तो कुछ भी है वो उनका प्रोस्पेक्ट आप उसके तथ्य भी सामने रखवाइए ना कि कमीशन कहा तथ्य रखवा दू अभी बिल्कुल सामने मैडम तथ्य है कुछ देखिए सड़कों का

जो जनता का पैसा आता है वो जनता में लगाना चाहिए और ये लोग अपने घरों में भरने में लग गए हैं और ये बोलते हैं कि प्रदीप बत्रा जी ने ये किया और उनसे बात करोगे तो इतनी लंबी लिस्ट गिना देंगे मैं ये कि कि तीन कार्य पूछे लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज होना चाहिए था खाली डिग्री कॉलेज यहाँ पे बहुत कम है और एक डिग्री कॉलेज और जगह बहुत सारी है लेकिन यहाँ अरे वो काम हो रहे हैं जिसमें यहाँ के विधायक और मेयर को फायदा होता है अच्छा विधायक और मेयर विधायक प्लस मेयर का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं और मेयर कौन है यहाँ पर मेयर कौन है साहब गौरव गौरव मेयर हैं और उनके ऊपर आरोप यहाँ पर कांग्रेस ही लगा रहे हैं अमूमन होता क्या हम कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी का पक्ष कार्यक्रम में रखते हैं लेकिन मैं आज इस नियम को तोड़ रहा हूं और क्योंकि आम आदमी पार्टी का मैंने जिक्र किया सम्मान के साथ मैं पहले इनको आमंत्रित करूंगा और फिर मैं सबरवाल जी आपके पास आऊंगा क्योंकि यहां पर चार कुर्सी लग गई थी लेकिन इन्होंने कहा कि जो नियम है नियम के तहत अगर तीन चेहरे बैठे हुए तो दीपक दीपक कौन से मुद्दे हैं क्योंकि ये सवाल अमूमन में मंच में बैठे हुए शख्स से पूछता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर आपके पास इसलिए आया क्योंकि आपने जिस नियम का हवाला दिया मैं भी आपने नियम तोड़ते हुए आपके पास आया बोलिए धन्यवाद सर सबसे पहली बात में अमित भाई ने कहा कि स्वच्छता तो साहब स्वच्छता जो है वो यहाँ के सफाई कर्मियों से है जो सफाई कर्मी झाड़ू को झाड़ू को अपनी छाती से लगा करके सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक साफ करते हैं वो स्वच्छता उनकी वजह से आती है नंबर एक नंबर दो पे सफाई कर्मियों की वजह से रुड़की आता है और उसके बदले में जो इनाम के तौर पर पैसा आता है भाई एक सफाई कर्मी से आप रुड़की वाले से कहलवा दो कि इन्होंने उसे इनाम दिया हो किसी एक को आज तक कोई पैसा इनाम का इन्हें नहीं मिला जो सफाई कर्मियों को उनका सिरे मिलना चाहिए अब आ जाता है इसके बाद में जो दूसरी बात अमित भाई साहब ने बताई थी कि सुरक्षा भाई साहब पुलिस के पास चले जाओ पुलिस अपने काम नहीं कर रही है किसी भी तरीके से प्रशासन केवल और केवल जो विधायक जी कहते हैं वो थोड़ा बहुत काम हो जाता होगा आम जनता का कोई काम नहीं हो रहा मेरा बीजेपी वालों के हो रहे हाँ मुझे नहीं पता मेरा खुद एक मोबाइल एक रैली में मैं वैसे ही खड़ा था मैं बीजेपी की रैली तो नहीं थी जी नहीं आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी की आम आदमी की रैली में ही पॉकेट मार दिया मुझे क्या पता कहाँ से आदमी आ रखे थे कौन से आदमी आ रखे थे मैं तो वैसे ही जा रहा था तो मेरे मेरी जेब में से मोबाइल साफ हो गया था मेरा आज तक इन्होंने उस मोबाइल की ना ही तो रिपोर्ट लिखी और ना ही उन्होंने अच्छा, आपका मोबाइल खो गया आप नाराज हो रहे हैं कोई बात नहीं अच्छा अच्छा आप ही के मुद्दे आप ही के मुद्दे में उठाऊंगा लेकिन ये रश्मि जी कह रही थी कि वो कमीशन बाजी है क्या ये बिल्कुल सत्य है क्या की जो कमीशन है किस किस किसके देखो मैं बताऊंगा ये जो सत्ता का गेम है ये अधिकारियों को उन भ्रष्ट अधिकारियों को जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया जिन्हें से ट्रांसफर कर दिया गया उसे जी लेकर आ रहे हैं अपने है? ये सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट चंद्रकांत भट्ट ये तो आरोप लगा रहे हैं ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा तो कमीशन का मुद्दा है रश्मि जी ये भी कह रही है आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कह रहे हैं कि विधायक प्लस मेयर साहब इसल टू भ्रष्टाचार क्या ऐसा है क्या देखिए जहाँ तक मेयर साहब की बात है तो उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वो क्यों, मेयर साहब आपके साथ नहीं है वो निर्दलीय चुनाव जीत निर्दली तो के आए हैं जनता ने उन्हें निर्दलीय जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं सबरवाल साहब आप भी यहाँ से चेहरे हैं दावेदारी कर रहे हैं सुना आपने अमित अग्रवाल जी ने आप लोग सीना ठोक कर कह रहे भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा आपके पास कोई ही नहीं है देखिए मैं सबसे पहले आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो मैं ये बात करूँगा कि रुड़की शहर के अंदर हमारे जो विधायक जी हैं सम्मानित विधायक जी दो बार विधायक हैं और एक बार वो यहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं नगर निगम नगर पालिका के रुड़की का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ की नजूल भूमियों का हमारे रुड़की में आधा रुड़की नजूल भूमि पे है आदमी जो है आम आदमी उनके पास अपने मकानों के बैनामा होने के बावजूद भी वो मालिकाना हक नहीं है मैं पूछना चाहता हूं माननीय विधायक प्रदीप जी से उन्होंने उस जनता के लिए क्या कार्य किया नजूल का। नजूल 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 भूमि 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 का 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 पूछ लेता हूं भूमी नजूल भूमी का। भूमी का, नजूल का ये कह रहे हैं कि मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है क्या किया आपने देखिए मुझे लगता है कि भाई साहब शायद समाचारों से अवगत नहीं है अभी दो दिन पहले ही हमारे मुख्यमंत्री ने नजूल भूमि पे भी कार्य करना प्रारंभ कर चुका मालिकाना हक दे दिया आपने जल्द ही ये भी समाचार इनको मिल जाएगा तो दस साल हो गए आप मालिकाना हक नहीं दिलवा पाए देखिए कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो प्रॉपर चैनल से चलते हैं केवल जवानी जमा खर्च से नहीं प्रॉपर कार्य होता है कि किस स्तर पर वो जाके काम होने हैं नहीं बेनामा है उनके नाम पर देखिए यहाँ की नजूल की जो भूमि है वो आज से नहीं है वो कांग्रेस के टाइम से भी है नहीं तो कांग्रेसी तो आप भी रहे ना नहीं मैं प्रदीप बत्रा जी देखिये प्रदीप बत्रा जी जब कांग्रेसी रहे हैं तो वो जवाब कांग्रेस को देना है अच्छा विधायक वो थे लेकिन जवाब कांग्रेस को देना है वो जवाब जो हरीश रावत को देना है ओके भूमि वो कह रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है। चलिए मैं दूसरी बात आपसे दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ पूरे रुड़की शहर में माननीय प्रदीप बत्रा जी ने जितनी भी सरकारी संपत्तियों की वॉल दीवार है या जो भी सरकारी जो है साइड में फुटपाथ है उनके ऊपर उन्होंने टाइलों से सारी जो है एक फुटपाथ बनवा दी और दीवारों पे जो है कलाकृतियां बना दी वो किस काम की है वो पैसा गरीबों के काम में क्यों नहीं लगाया जाता अपनी जो विधायक निधि है उसे ये बर्बाद क्यों कर रहे हैं क्यों बर्बाद विधायक निधि बर्बाद कर रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ जो अहम मुद्दे हैं रुड़की के मैं चाहूंगा कि यहाँ की आवाम वो बताए वो मुद्दे कौन कौन से है क्योंकि आप लोगों के जनप्रतिनिधि है जिनको आपने चुनना है तो सबसे पहले डॉक्टर अर्षद आप तो यहाँ पर पत्रकार भी है जरा हमें समझाइए की रुड़की के कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार एक मुद्दा तो मुझे समझ में आ गया लेकिन वो कह रहे कि मेयर हमारे नहीं है ये कहानी है क्या जरा वो मुझे समझाइए सर मेयर पहले यहां से निर्दलीय चुनाव लड़े थे उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है अब विधायक और मेयर में बिल्कुल एक सामान्य जो है जो बनना चाहिए था वो बिल्कुल इनमें तालमेल नहीं बन रहा है तो मेयर अपनी मनमानी कर रहे हैं और विधायक अपने स्तर पर काम कर रहे हैं बाकी भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है यहाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार तो हर जगह हर जगह है रुड़की की अगर बात करें तो रुड़की में भी आ, बिल्कुल आ, अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी ये मुद्दा आ, जग जाहिर है और मेयर जब से यहाँ पर मेयर गौरव गोयल आए हैं तब से पूरी गली गली में भ्रष्टाचार का यहाँ पर नारा लोग लगाते रहे हैं। ये चुनाव विधायक जी लड़ रहे हैं लेकिन नाम मेयर साहब का बार बार आ रहा है ये रश्मि चक्कर क्या है मैं समझ नहीं पा रहा ये गौरव 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 वहां से लेकर यहाँ तक सिर्फ गौरव 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 चुनाव प्रति बत्रा लड़ रहे हैं ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे है वो कह रहे हैं गद्दार है आपके सामने अभी बोला गद्दार है वो ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे है मैं आपको बता रही हूँ मेयर साहब भी और बत्रा जी भी बत्रा जब कांग्रेस में रहे तब खूब इन लोगों ने क्या कहते हैं तब कांग्रेस पे वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले जवाब देंगे कांग्रेस वाले जब जवाब देंगे।, देंगे जब वो दोबारा कांग्रेस में आएंगे तब हम जब तो आप कांग्रेस ही बना रहे हैं क्या तब हम उन्हें जवाब देंगे सुनने में आया कि दोबारा वो कांग्रेस में आना चाहते हैं कुछ है क्या देखिए मेरी बात सुनिए कांग्रेस जो है एक समुंदर की और बहुत गहरी पार्टी है और सभी वर्गों को साथ लेके चलने वाली है हमारे यहां सबका वेलकम है लेकिन ये देखा जाएगा कि कितना आदमी कितना पार्टी के लिए गद्दार रहा और कितना वफादार रहा गद्दार गद्दार और वफादार रहा और जहाँ तक बत्रा तो बत्रा जी कैसे आपको कैसे नेता आपको बत्रा जी जो है जब वो, वो तो सियासत करना जानते हैं जहाँ पे सियासत गद्दार तो... है वफादार है गद्दार है वफादार जहाँ पे सियासत भारी लगती है वहीं पे ही कूद जाते हैं इन्होंने हमारी सरकार गिराई और कांग्रेस ने इनको विधायक बनाया आपकी नजर में गद्दार है वफादार है बिल्कुल महागद्दार आदमी है महागद्दार आदमी है प्रदीप बत्रा महागद्दार वो कह रहे हैं कि महागद्दार है प्रदीप बत्रा देखिए हमें तो लगता नहीं हमें तो लगता नहीं है वो वो निर्दलीय पहले चेयरमैन रहे उसके बाद अगर वो कांग्रेस में कुछ समय रहे उन्होंने घुटन महसूस करी वो पार्टी में आगे कह रहे हरीश रावत के साथ गद्दारी देखिए व्यक्ति विशेष के साथ गद्दारी करी है ना तो व्यक्ति विशेष को आदमी को संभाल के पार्टी के साथ गद्दारी बिल्कुल उनकी विचारधारा उन्हें लगी कि दोबारा कांग्रेस ही बन रहे है क्या नहीं किसने कहा है वो, वो कह रहे हैं कि दोबारा कांग्रेस कि... किसने कहा ऐसा ऐसा कोई कोई सामने कहीं को तथ्य है कि उन्होंने अप्लाई किया हो होगी पीछे से किसने अभी आवाज दी कि जो बीजेपी है वही कांग्रेस है जो कांग्रेस है वही बीजेपी है आपने कहा जो कांग्रेस है वही बीजेपी है जो बीजेपी है वही कांग्रेस है आप बीजेपी और कांग्रेस एक नहीं है ना बीजेपी कांग्रेस एक थी ना होगी लेकिन आज हम एक चीज बताना चाहते हैं जब प्रदीप बत्रा जी के पास इस अंबर तालाब का कोई भी आदमी विकास के लिए जाता है वो कहते हैं राणा जी का क्षेत्र है क्या ये क्षेत्र प्रदीप बत्रा जी के क्षेत्र में नहीं आता मुझे इस बात का जवाब दो वो राणा जी का क्षेत्र बता के इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं करते आप खड़े हुई खड़े हुई आपका नाम क्या है मोहम्मद नसीम सामानी कांग्रेस का प्रवक्ता नसीम नसीम साहब कह रहे हैं आइए आइए आई आइए नसीम साहब कह रहे हैं कि भैया हम जाते हैं विधायक जी के पास और विधायक जी कहते हैं कि भैया ये हमारा क्षेत्र नहीं है राणा राणा जी 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 का जी का क्षेत्र क्षेत्र है विदाग, विदाग के के है है जाओ देखिए तक विधायक विधायक के कैंप बात राशन कार्ड जनधन योजना आपका आयुष्मान कार्ड सबके कैंप वहाँ लगे हुए अभी आपका वैक्सीन का भी तो वहाँ वो क्या ये पूछ के लगाते हैं आप कौन से एरिया से आए हैं किसी के अगर कागज जमा हो रहे हैं वो पूरे अपनी विधानसभा क्षेत्र के वो कार्य कर रहे हैं किसी से ये नहीं पूछते वो किस क्षेत्र से आए हैं तो फिर यहाँ का विकास क्यों नहीं कराते वो कहाँ का विकास यहाँ का हमारे महल्ले का कोई देख लीजिए सड़क है नाले है, है नहीं। इसलिए नहीं नहीं, विकास नहीं होता, कि होता। देखिए किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके राणा जी भी रुड़की के सम्मानित है और ये कहना कि उनके आदमी इसलिए काम नहीं होता ऐसा तो कहीं वहां पर कार्यालय पे होता ही नहीं आपने कौन सी एप्लीकेशन दी वो सामने रखे की इस एप्लीकेशन को हम दे के आए और उस पर कार्य नहीं हुआ सिर्फ ये कह देना कि हम वहाँ विधायक जी के पास गए और विकास कार्य नहीं हुए ये कौन सा तथ्य हुआ आप मुझे वो एप्लीकेशन दिखाए जिसपे आपने दी हो और इस क्षेत्र का वो कार्य न हुआ हो प्लीज एक एक करके एक एक करके आप बोले क्या मुद्दा है यहाँ का नाम बताइएगा मेरा नाम मनीष शर्मा है न्यूज से मैं मीडिया प्रभारी रुड़की भी हूँ मेरा सवाल आपसे अग्रवाल जी आपने अभी बताया कि मेयर साहब जो हमारे गौरव गोयल जी हैं वो गद्दार गो हैं कारण गद्दारी का केवल इतना है कि वो भाजपा से हटके निर्दलीय इलेक्शन लड़े अब मुझे आप ये बताइए कि क्या लोकतंत्र में आदमी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है और अगर वो लड़ लिए तो प्रदीप बत्रा जी तो पहले निर्दलीय चुनाव लड़ के चेयरमैन भी रहे हैं यहाँ उसके बाद कांग्रेस में गए हैं उसके बाद भाजपा में आए हैं अगर गौरव गोयल जी गद्दार हैं तो ऐसे प्रतिनिधि के लिए क्या कहा जाएगा ये समझ में नहीं आ रहा चुनाव कांग्रेस वर्सेज बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी है प्रदीप बत्रा वर्सेज गोयल क्या नाम बताया गौरव गोयल साहब ये चक्कर क्या अग्रवाल साहब ये समझ में नहीं आ रहा मेरे देखिए भ्रष्टाचार का खेल है गौरव गोयल और प्रदीप बत्रा की कहीं भी तुलना है ही नहीं ठीक है ना प्रदीप बत्रा जी पिछले पंद्रह साल से राजनीति में है और पद पर है गौरव गोयल तो अभी जुम्मा जुम्मा दो दिन से आए दो साल से वो पद पे हैं तो उसके लिए उनका तुलना करना कहीं भी कोई वो कह रहे हैं गौरव गौरव गोयल गलत थे या फिर प्रदीप बत्रा गलत थे अगर लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है तो वो भी लड़ रहे लोकतंत्र वो आपकी नजर में गद्दार कैसे देखिए लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है मैं मानता हूँ लेकिन अगर वो पार्टी के एक सच्चे सी तो पार्टी के दिशा निर्देश को पालन करना भी उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी रुड़की के क्षेत्र में जो रुड़की के आवाम के मुद्दे हैं अब मैं उस पर आता हूँ अब अग्रवाल साहब ये बताएंगे कि रुड़की की विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में तीन उपलब्धियां विधायक जी की क्या है देखिए शिक्षा के क्षेत्र में पहले तो रुड़की अपने आप में ही शिक्षा नगरी कहलाती है ठीक है ना तो रुड़की पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रही है आईआईटी यहाँ पर पहले से अपना स्कूल बना दिया विधायक जी ने क्या वो कैरी पब्लिक कैरी अपना स्कूल बना दिया अपना स्कूल बनाया एक सरकारी स्कूल जो उन्होंने सही कराया वो भाजपा या कांग्रेस ने हाँ इनके नेताओं ने विधायक जी ने अपना एक डीपीएस स्कूल बनाया बहुत जबरदस्त स्कूल बनाया ये उपलब्धि है उनकी स्कूल पेसे पेसे स्कूल जी का अपना है प्राइवेट स्कूल है विधायक जी का अपना प्राइवेट स्कूल है वो कह रहे हैं की ये उपलब्धि है सरकारी स्कूल बनाने की बजाय उन्होंने अपना स्कूल बनाया किसी को व्यापार करने से तो आप नहीं रोक सकते और वो उनका विधायक है व्यापारी है वो विधायक है व्यापारी है एक मिनट मेरी बात सुनिएगा जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो वो तो आज सत्ता में ना होने के बाद भी 300 यूनिट का प्रलोभन दे रहे हैं जिसके लिए आपका हाई कोर्ट में रिट जा चुकी है तो जो पार्टी शुरू से ही रिश्वत खो रहे जो जनता की नसों में रिश्वत डालना चाह रही है उस पार्टी के मुद्दों को तो मैं मुद्दा मानता ही नहीं ना अब मेरा सवाल वही है शिक्षा के क्षेत्र में अब आप बताइए की शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए यहाँ पर डिग्री कॉलेज है या फिर नहीं है देखिये महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज है एक डिग्री कॉलेज है और इसके लिए भी माननीय विधायक जी ने इस पे प्रस्ताव भेजा हुआ है शीघ्र उसकी भी आने वाली सरकार में सरकार में में की बताइए आप डिग्री कॉलेज नहीं बनवा पाए आ रहा हूँ एक सेकंड आ रहा हूँ सर मतलब कि बहुत शर्म की बात है कि रूड की रुड़की वेल एजुकेटेड सिटी है और सिर्फ वो एक ही डिग्री कॉलेज है और ये दो या तीन डिग्री कॉलेज नहीं बना पाए और अपना कॉलेज खोल लिया तो मतलब रुड़की की जनता बेवकूफ नहीं है अब रुड़की की जनता समझ चुकी है और मैं तो रुड़की की जनता से निवेदन करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से आपने जो डिबेट रखा है कि भैया अब की बार बिजनेस मैनों को मत आने देना राजनीति में आप ऐसे लोगों को लाइए जो समाज का सुधार करेंगे और जो अच्छे पृष्ठभूमि के लोग हैं ऐसे लोगों को यदि आप लोग लाएंगे तो जो ये डिबेट चल रहा है ना इससे भी बड़े हाई प्रोफाइल वे में डिबेट्स चलेंगे अच्छा अच्छा मतलब रुड़की के क्षेत्र में यहाँ पर डिग्री कॉलेज की अगर बात कर रहे हैं आप तो डिग्री कॉलेज ये कह रहे हैं कि डिग्री कॉलेज तो एक है ना दिक्कत क्या है मान्यवर अगर आप जो हैं डिग्री कॉलेज एक है और उसकी जो है स्टेमिना जो है 200, सौ या चार बच्चों का है और बच्चे यहाँ चार हैं तो डिग्री कॉलेज तो तीन चार और बनने चाहिए थे ना दो बार विधायक रहने के बाद एजुकेशन के क्षेत्र में माननीय विधायक जी ने कोई भी अपना कदम नहीं उठाया एक डिग्री कॉलेज क्यों अमित अग्रवाल जी सर सर, सर, सर यहाँ कंट्रोवर्सी आ रही है कि डिग्री कॉलेज एक नहीं है बात हो रही थी लड़कियों का सेपरेट एक जी जी डिग्री कॉलेज तो डिग्री कॉलेज तो, तो यहाँ पर और भी बहुत है जो को एजुकेशन में है अगर महिलाओं के डिग्री कॉलेज अगर को एजुकेशन में चल रहा है तो क्या को एजुकेशन का मतलब आप ये मानते हैं इस विचारधारा में को एजुकेशन में लड़कियाँ असुरक्षित है कांग्रेस की विचारधारा ये है की को एजुकेशन असुरक्षित है क्या वो पूछ रहे हैं आप वैसे तो बीजेपी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और आप देखिए कि, कि कितनी शर्म की बात है कि आप पंद्रह साल से सियासत देख रहे हैं दस साल से आप विधायक हैं और आप गर्ल्स का डिग्री कॉलेज नहीं खोल पाए आपको एजुकेशन की बात करने लगे अपने आप को बचाने के लिए साल में डिग्री कॉलेज नहीं खोल पाए देखिए ऐसा उनको लगता है कि हम बचा तो थो बताइए मुझे नाम बता नहीं क्या पे खोला है देखिए एक बात सुनिए जब गर्ल्स कॉलेज एक है डिग्री और बाकी को एजुकेशन में चल रहे हैं तो क्या स्पेसिफिक कन्या आप ये कह रहे हैं की गर्ल्स के लिए डिग्री कॉलेज की जरूरत ही नहीं है जब को एजुकेशन में दोनों चल रहे हैं या तो स्पेसिफिक ये विषय आप रखे की कन्याओं के लिए अलग से जब को एजुकेशन चल रही है आप या तो ये कहिए कि को एजुकेशन गलत है अगर को एजुकेशन गलत है तो तो उस पर विचार करने योग्य है अरवाइज यहाँ पेट संख्या में डिग्री कॉलेज है अच्छा अच्छा ये कह रहे हैं कि डिग्री कॉलेज है लेकिन लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल मैं उठाऊंगा इसके बाद लेकिन आपसे जानना चाहेंगे की रुड़की के मुद्दे कौन कौन से भाई ये बता रहे, मुझे सब मुद्दे बता जो बता रहे जो रहे हो इनसे पूछो अच्छा इनसे पूछे आप पब्लिक नहीं है ओके पब्लिक नहीं है ये कह रहे हैं कि हमें मुद्दे नहीं मालूम यहाँ के मुद्दे नहीं मालूम यहाँ की पब्लिक कह रही है कि कुछ लोग हैं ऐसे इनको मुद्दे नहीं मालूम लेकिन अब मैं मुद्दा उठाता हूँ बेशक बाहर से आया हूँ आपसे जाना चाहेंगे प्लीज आप बताइए क्या मुद्दे यहाँ के मुद्दे तो बहुत है यहाँ के मगर जो है इन दोनों के के सरकारों बीच में जो है मुद्दे जो हैं सब गायब हो जाते हैं। अब जो है यहाँ की जनता जो है चाह रही है अभी आप पूछ रहे थे डिग्री कॉलेजों के बारे में किसी की भी सरकार रही हो यहाँ पर प्राइवेट है डिग्री कॉलेज कोई सरकारी कॉलेज बनवा नहीं पाए अब तक कोई विधायक कि कोई डिग्री कॉलेज सरकारी बनवा दे जिसमें गरीब का बच्चा जो है पढ़ ले सब प्राइवेट है और अपने खोल रखे हैं प्राइवेट भी अब यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है सारे मॉडल मॉडल देख लिए गुजरात भी देख लिया और कांग्रेस का मॉडल भी देख लिया अब यहाँ की जनता जो है दिल्ली मॉडल चाहती है आम जनता का मॉडल चाहती है अच्छा दिल्ली का मॉडल अच्छा दिल्ली लागे दिल्ली लागे का मॉडल दिल्ली का मॉडल आप कह रहे हैं दिल्ली का मॉडल चाहती है आपसे जानना चाहेंगे जिन मुद्दों का जिक्र यहाँ पर हो रहा है क्या पब्लिक इस बात को कहती है कि वाकई में रुड़की में जो है वो जल भराव भी एक बड़ा मुद्दा है बड़ा मुद्दा बड़ा बड़ा है रुड़की में जल भराव बहुत बड़ा मतलब बारिश होने से पहले पानी भर जावे सड़कों पर बादल आते नहीं और पानी भर जावे और इतनी दिक्कत हो गई की घर के अंदर हमें बाहर निकलना मुश्किल कारोबार करना मुश्किल पहले इंतजार करें कभी पानी उधर कभी कौन से क्षेत्र जी इसी मोहल्ले में पश्चिम अम्बरला में पूर्वी अम्बरला में रुड़की का हिस्सा ऐसा होगा जहाँ पानी नहीं भरता अच्छा रुड़की में जल भराव बड़ा मुद्दा है मैं कहती हूँ मैं सिविल लाइन में रहती हूँ बत्र के क्षेत्र में ही रहती हूं, वहाँ पे पानी भर जाता है ये पानी की निकासी की आ, मतलब सुविधा नहीं कर पाए पंद्रह साल में ये बहुत शर्म की बात है की बात। जल भराव एक बड़ा मुद्दा है सबरवाल साहब क्या वाकई जल भराव एक बड़ा मुद्दा है क्या मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ तीसरा मुद्दा सबसे बड़ा जल भराव का है और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी आज तक विधायक जी ने या मेयर साहब ने कोई प्रयास नहीं करा अगर वो करें जनता से जुड़े हुए किसी भी कार्य में कोई जनप्रतिनिधि प्रयास नहीं करता है सिर्फ अपनी जेब भरने का कमीशन खोरी का अपना किस तरीके से हम स्कूल बनाए जल भराव भी क्या मुद्दा है कि ये भी नहीं है मुद्दा जल भराव रुड़की के लिए एक मुद्दा है लेकिन उस पर ड्रेनेज सिस्टम पे हमारी सरकार कार्य कर रही है दूसरा इसमें कहीं ना कहीं चूंकि ये हमारा जो शहर है वो नदी से नहर से और रेलवे लाइन से घिरा हुआ है तो रेलवे से भी हमारे कुछ बाधाएं आ रही है कि पानी की निकासी में कही न कहीं ना कहीं रेलवे की कांग्रेस है वो बीजेपी है जो बीजेपी है कांग्रेस है आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की किसकी बीटी में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की भी टीम है कांग्रेस की भी टीम है आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बीटी टीम है आम आदमी पार्टी जितने स्थानीय मुद्दे उठा के दिल्ली में सरकार चल रही है दिल्ली के अंदर जितने कार्य किए हैं उन्हीं कार्यों को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा अभी अमित जी जो हैं एजुकेशन के मामले में जो बात कर रहे थे एजुकेशन के मामले में दिल्ली में आपने देखा होगा कि एजुकेशन जो सरकारी स्कूल हैं आज वो प्राइवेट स्कूलों से बहुत ऊंचे हायर पॉइंट पे हैं वही तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड में भी कॉलेज कॉलेज डिग्री बना के, एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी जो बहुत नॉर्मली है, तो है वो कुर्सी छोड़ के भाग गए किस्सा कुर्सी में कुर्सी छोड़ के कांग्रेसी भाग गए अब क्यों भाग गए क्यों भाग गए मुद्दा सिर्फ एजुकेशन का और नौकरी का बस इस मुद्दे को छेड़ दो इनके सब सब कुर्सी चोड़ चोड़ के भाग जाएंगे तो मील खा गए बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे क्या उसके अलावा ये बताओ कि इसके अलावा कुछ कराओ खाली मिड खाल, डे मिड डे मील जो खा लेंगे ना वो बच्चे एजुकेशन नहीं कर पाते और उसमें भी आप खुद जाके सर्वे कर लो कितने बच्चे स्कूल में आते होंगे आप खुद जाके बच्चे सर्वे सर्वे कर लो एक बार और उन गरीब आदमियों से पूछो उन माता पिता से कि बच्चे स्कूल में क्यों नहीं जाते किसी ग्यारह सौ का वजीफा किसी बच्चे को नहीं चाहिए उन्हें अच्छी एजुकेशन चाहिए उन्हें एक माहौल चाहिए टीचर्स का माहौल चाहिए वो किसने बनाया अपने अपने स्कूल खोल के सब लोग बैठ के मिड डे मील खा के कोई बच्चा पास नहीं होगा सर जी क्या नाम है नाम क्या बोलो आप शुभम वाजपेयी शुभम वाजपेयी इनके लिए ताली बजाइए ये इन्होंने दिल को छूने वाला मुद्दा उठा दिया इन्होंने कहा कि वजीफा नहीं चाहिए अधिकार चाहिए हक चाहिए अधिकार हक नहीं मिलता क्या हक कहाँ मिलता है सर जी आप खुद सर्वे करो ये ग्राउंड लेवल की बात है ये तो अपनी जो भिंडा है भाजपा भाजपा को लड़ाई बैठी कांग्रेस कांग्रेस को लड़ाई बैठी ये कोई मुद्दे हैं क्या जो मुद्दे करने के वो गरीब आदमियों के मुद्दे हैं उनके बच्चों के मुद्दे हैं उनके बच्चे अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो बाद में क्या पढ़ेंगे क्या उनके हाथ में भी हम तलवार और त्रिशूल दे दें क्या आप खुद बताओ हम तलवार और त्रिशूल ना देने की बजाय उनके हाथों में किताब देना चाह रहे हैं हम मिड डे मील का भोजन नहीं उनके घर में खाना खूब है वो खा लेंगे अपने घर जाके दो रोटी सुखी खा लेंगे लेकिन उन्हें पढ़ाई का कोई साधन तो दो जिससे वो आगे बढ़ेंगे अपनी आवाज को ये, ये 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 असली ये असली राष्ट्रवाद है ये असली राष्ट्रवाद है मेरे भाई असली राष्ट्रवाद है सलाम है आपको सलाम है ये है असली राष्ट्रवाद जिसका जिक्र कर रहे हैं और अब चलते चलते पब्लिक बताएगी अपने विधायक को दस में से कितने नंबर देंगे दस में से कितने नंबर देंगे और कौन से मुद्दा जल्दी से यहाँ सबसे बड़ा रोड रोडवेज का मुद्दा है जहाँ पर अधिकारी जो है हेलमेट लगाकर बैठते हैं आज तक बिल्डिंग नहीं बन पाई उसकी बिल्डिंग की बहुत जर्जर हालत है जो विधायक है वो भी नहीं देख पा रहे वो मेयर भी नहीं देख पा रहे रोडवेज का सबसे बड़ा मुद्दा है रोडवेज का और जल भराव की समस्या तो आपको बताई दी गई वो भी बहुत बड़ी समस्या है रोडवेज का क्या मुद्दा है क्या करो देखिए रोडवेज के के ऑफिस लिए बजट की घोषणा हो चुकी है जल्दी वहाँ पर उनका नया ऑफिस बनने भी हुआ दस साल में आप कह रहे हैं ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा और चुनाव के वक्त ही घोषणा की जाती है चक्कर क्या है जी तो दस साल से विधायक है ना ऐसा नहीं है चूंकि चुनाव के वक्त घोषणाएं की जाती है जो काम धीरे धीरे हो रहे हैं और आज अगर उनकी कुछ अपनी सरकार में हरीश पाए।, पाए।, पाए और धामी जी से भी नहीं करवा पाए आप ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल मेरे मेरी नजर में विधायक जी को दस में से नौ साढ़े नौ अंकों की प्राप्ति होती है जिस तरह से वो पब्लिक के बीच में रह के पब्लिक का एक एक काम के लिए दस में से नौ नंबर दस में से नौ नंबर दस में से नौ नंबर विधायक जी को दस में से जीरो बटा जीरो जीरो बटा जीरो जीरो बटा जीरो दस में से कितने नंबर दस में से कितने नंबर पब्लिक हमारे शहर में जाम का बहुत बड़ा मुद्दा है बाहर से हरियाणा पंजाबी खड़ आती है मार्केट में घुसती है पूरा इंजाम लगा रहता है कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं लोग आगे लड़ाई बचती है दस में से कितने नंबर अजी मैं तो कुछ भी नहीं दे रहा कुछ भी नहीं देंगे विधायक जी मैं से तो दस बजे से से कितना थोड़ा से कुछ पूछ? नहीं 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 आप दस पैसे कितने नंबर मेरे पास वक्त तो खत्म हो रहा है जल्दी वक्त तो खत्म हो रहा है लेकिन मैं तो जीरो दूंगा इनसे आधा ही नंबर क्यों काटा पूरे क्यों नहीं दिए अच्छा ट्रैफिक व्यवस्थाओं में ट्रैफिक लाइट कहाँ चली गई यहाँ की ट्रैफिक लाइट खा गए दस पैसे कितने नंबर जीरो दस पैसे जीरो दस पैसे जीरो दस पैसे कितने नंबर जीरो दस पैसे कितने नंबर दस पैसे कितने नंबर पाँच नंबर पाँच नंबर दस पैसे कितने नंबर विधायक के लिए दस नंबर दस में से दस नंबर नाकाम विधायक को नाकाम विधायक को देखिए अब जनता की सोच जनता की राय किस्सा कुर्सी का आज हम पहुंचे थे रुड़की जहां की आवाम ने बताया कि कौन से हैं मुद्दे हैं लेकिन इतना जरूर है इन मुद्दों के केंद्र में मेयर साहब भी हैं लेकिन सवाल ये कि किस्सा कुर्सी में कांग्रेसी कुर्सी छोड़कर क्यों भाग गए क्या वो वाकई इस जंग में नहीं है आपका बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब आपने वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब आपका भी और कांग्रेसी जो कुर्सी छोड़कर भाग गए उनका भी बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया इस पब्लिक का भी जो हमारे साथ जुड़ी नमस्कार जय हिंद जय जै भारत अगली बार होगी एक नई विधानसभा सीट पर मुलाकात नमस्कार